Hello students, welcome to newspaper reading article 10. Today's article is why World Polio Day is observed on October 24 and where India stands. ये article Indian Express में अभी हाल ही में ही publish हुआ. शुरू करते हैं. तो why World Polio Day is observed on October 24 title से पता लग रहा है informative article है. पोलियो के बारे में जानकारी मिलेगी क्यों 24 अक्टूबर को World Polio Day के तौर पे observe किया जाता है मनाया जाता है. एंड वेयर इंडिया स्टैंड्स का मतलब इंडिया का स्टेटस क्या है, इंडिया की पोजीशन क्या है, इस बारे में भी बात करेंगे. शुरू करते हैं. अक्टूबर 24 इज ऑब्जर्व्ड, पैसिव एक्सप्रेशन है, मनाया जाता है. 24 अक्टूबर मनाया जाता है एज वर्ल्ड पोलियो डे एवरी ईयर, हर वर्ष, इन ऑर्डर टू. अब ये इन ऑर्डर टू है, पर्पज बताने के लिए यूज होता है एक्सप्रेशन, के लिए की वॉइस होती है. और किस चीज के लिए मनाया जाता है, टू कॉल ऑन कंट्रीज टू स्टे विजिलेंट इन देयर फाइट अगेंस्ट द डिजीज. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक हमको फ्रेजल वर्ब मिल रहा है कॉल ऑन, इसके दो मीनिंग में डिस्कस करूंगा आपसे. पहला है इफ यू कॉल ऑन समवन टू डू समथिंग और कॉल अपॉन देम टू डू इट. वो बोला है कि अगर आप किसी को कॉल ऑन करते हैं कुछ करने के लिए, कॉल अपॉन करते हैं कुछ करने के लिए, दोनों का एक ही मतलब है. यू से पब्लिकली दैट यू वॉन्ट देम टू डू इट, तो आप खुले तौर पर बोलते हो कि आप उनसे चाहते हो कि वो ये करें. एग्जाम्पल के लिए, वन ऑफ कीनियाज लीडिंग चर्चमैन, कीनिया के लीडिंग चर्चमैन में से एक ने, हैज कॉल्ड ऑन द गवर्नमेंट टू रिजाइन. उन्होंने पब्लिकली खुले तौर पे गवर्नमेंट को क्या करने को बोला है, रिजाइन करने को बोला है. तो पब्लिकली खुले तौर पे किसी को कुछ बोलना करने के लिए तो कॉल ऑन कॉल अपॉन का पेयर यूज हो जाता है. ये एक मीनिंग है इसका. कॉल ऑन का एक और मतलब भी है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं. सेकेंड मीनिंग है इफ यू कॉल ऑन समवन और कॉल अपॉन समवन यू पे देम अ शॉर्ट विजिट. यू पे देम अ शॉर्ट विजिट का मतलब आप उनसे मिलने आते हैं कुछ समय के लिए. किसी से मिलने जाने के लिए भी कॉल ऑन और कॉल अपॉन का पेयर यूज होता है. देखिए, सोफिया वॉज इंटेंडिंग टू कॉल ऑन मिस किट्स. तो सोफिया इरादा बना रही थी किस चीज का, टू कॉल ऑन मिस किट्स का मतलब है मिलने जाने के लिए, विजिट करने के लिए किसको, मिस किट्स को. तो स्टूडेंट्स दो मीनिंग सीखे कॉल ऑन कॉल अपॉन के, पहला पब्लिकली किसी को कुछ करने के लिए बोलना, खुले तौर पे किसी को कुछ करने के लिए बोलना, और दूसरा किसी को विजिट करना. वापस आते हैं. तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि 24 अक्टूबर जो है वर्ल्ड पोलियो डे एवरी ईयर मनाया जाता है किस चीज के लिए, टू कॉल ऑन कंट्रीज. कंट्रीज को पब्लिकली क्या करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर, टू स्टे विजिलेंट, कि वो विजिलेंट रहे. विजिलेंट का मतलब अलर्ट रहे, चौकन्ने रहें इन देयर फाइट अगेंस्ट द डिजीज. जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो किसके विरुद्ध, डिजीज के विरुद्ध. कौन से डिजीज की बात हो रही है, पोलियो की बात हो रही है. समझ आ गया कॉल ऑन का कैसे यूज हुआ. तो 24 अक्टूबर मनाया जाता है देशों को ये बोलने के लिए कि वो चौकन्ने रहें अपनी लड़ाई में जो वो डिजीज के खिलाफ लड़ रहे हैं. एज पर द WHO के अनुसार सिंस 1980 के बाद से द केसेस ऑफ वाइल्ड पोलियो वायरस हैव डिक्रीज्ड. जो वाइल्ड पोलियो वायरस के केस हैं वो कम हुए हैं बाय ओवर 99.9%. इतने प्रतिशत से पोलियो के केस गिरे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन की वजह से, वैक्सीनेशन एफर्ट्स की वजह से मेड अराउंड द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया में किए गए. थोड़ा वैक्सीनेशन पे भी बात करूंगा मैं. तो वैक्सीनेशन क्या प्रोसेस होती है, जब इंसानी शरीर के अंदर उस बीमारी के जो है हार्मलेस जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस को इंजेक्शन के माध्यम से, ड्रॉप्स के माध्यम से छोड़ दिया जाता है, जिससे इंसानी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन बोलते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. वर्ल्ड पोलियो डे वॉज एस्टैब्लिश्ड वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव एक्सप्रेशन. वर्ल्ड पोलियो डे स्थापित किया गया था बाय रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा ओवर अ डेकेड अगो, लगभग एक डेकेड पहले, टू कमेमोरेट करने के लिए. कमेमोरेट का मतलब देख लेते हैं. जब हम किसी को कमेमोरेट करते हैं तो टू कमेमोरेट एन इम्पॉर्टेंट इवेंट और पर्सन मीन्स टू रिमेम्बर देम. किसी इंपॉर्टेंट इवेंट को, व्यक्ति को कमेमोरेट करने का मतलब है उन्हें याद करना. बाय मीन्स ऑफ स्पेशल एक्शन, किसी स्पेशल एक्शन के माध्यम से, सेरेमनी के माध्यम से, किसी ऑब्जेक्ट क्रिएशन के माध्यम से. जैसे आप कभी कभी देखते हो ना, किसी की जयंती होती है, 100वीं जयंती पे उनकी बड़ी सी प्रतिमा जो है उसका इनॉग्रेशन कर दिया जाता है, किसी हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन कर दिया जाता है, पोस्ट स्टैम्प सिक्के इनको मार्केट में सर्कुलेट कर दिया जाता है. तो कमेमोरेट करने का मतलब किसी को याद करना और स्पेशल एक्शन के माध्यम से.
वो कोई सेरेमनी करके तो उसको बोलते हैं कमेमोरेट करना। तो हमने यहाँ क्या बोला है कि ये जो वर्ल्ड पोलियो डे जो है स्थापित किया गया था रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा लगभग एक दशक पहले, कमेमोरेट करने के लिए, याद करने के लिए किसको, द बर्थ ऑफ जोनस सॉक, जोनस सॉक के जन्म को। और जोनस सॉक कौन थे, हु लेड, जिन्होंने नेतृत्व किया था किसका, द फर्स्ट टीम, पहली टीम का, टू डेवलप द वैक्सीन, वैक्सीन डेवलप करने के लिए किसके विरुद्ध, डिजीज के विरुद्ध। कौन से डिजीज की बात हो रही है, पोलियो की बात हो रही है। इन द पास्ट 3 डेकेड्स, पिछले 3 दशकों में, द ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव, GPEI बोलते हैं जिसको, एक प्रोग्राम है लेड बाय नेशनल गवर्नमेंट्स, जो कि लीड किया जा रहा है किसके द्वारा, नेशनल गवर्नमेंट्स के द्वारा और WHO के द्वारा, हैज बीन मॉनिटरिंग, पैसिव एक्सप्रेशन, मॉनिटर करता रहा है ये प्रोग्राम इसको, द डिजीज सिचुएशन ग्लोबली। यानी कि वो क्या बोले कि पिछले 3 दशकों में जो पूरे विश्व में है डिजीज की क्या सिचुएशन चल रही है, कौन मॉनिटर कर रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये इनिशिएटिव GPEI के नाम से ये मॉनिटर कर रहा है। मॉनिटर करने का मतलब क्या, निगरानी करना, नजर बना के रखना, ऑब्जर्व करना। मॉनिटर का एग्जैक्ट मीनिंग देखना है तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ यू मॉनिटर समथिंग, अगर आप किसी चीज को मॉनिटर करते हो तो आप उसको क्या करो, यू रेगुलरली चेक इट इट्स डेवलपमेंट, आप निरंतर उसकी डेवलपमेंट पे, उसकी प्रोग्रेस पे नजर बना के रखे हो। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी में मिल रही, व्हाट इज पोलियो, पोलियो होता क्या है। अकॉर्डिंग टू US सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, तो US के CDC के अनुसार पोलियो इज अ क्रिपलिंग एंड पोटेंशियली डेडली डिजीज दैट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम। पोलियो एक क्रिपलिंग, अच्छा क्रिपलिंग वर्ड को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। क्रिपलिंग वर्ड क्रिपल से आता है, क्रिपल वर्ब भी है और नाउन भी है। एज अ नाउन, क्रिपल उस व्यक्ति को बोला जाता है जिसके अंदर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, किसी चोट के कारण, इनहेरिट, जो जेनेटिकली इनहेरिटेड डिजीज होते हैं उसके कारण, फिजिकल डिसेबिलिटी का मतलब हाथ पैर कटे हुए हैं, टूटे हुए हैं, चल नहीं सकता है बचपन से, तो फिजिकल डिसेबिलिटी बनाती है, तो उस व्यक्ति को क्रिपल बोलते हैं। क्रिपल एज अ वर्ब का मतलब किसी चीज को डैमेज कर देना, स्पॉइल कर देना, जिससे कि वो ऑपरेशनल ना रहे, तो क्रिपलिंग यहाँ पर पार्टिसिपल है। तो पोलियो क्रिपलिंग डिजीज है, क्रिपलिंग का मतलब जिसको होता है वो उसको डैमेज कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको क्या कर देता है, इस स्थिति में ले आता है कि वो नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर सकता। एंड पोटेंशियली डेडली डिजीज, पोटेंशियली कोई भी चीज़ पोटेंशियली अगर मैं बोल रहा हूँ तो यानी उसके होने की संभावना है, वी आर टॉकिंग अबाउट चांसेस, वी आर टॉकिंग अबाउट लाइकलीहुड। तो पोटेंशियली डेडली का मतलब क्या है कि इसके प्राण घातक होने की संभावना है, डेडली प्राण घातक फेटल को बोलते हैं, दैट रिजल्ट्स इन डेथ। तो पोलियो एक क्रिपलिंग डिजीज है, क्रिपलिंग का मतलब डैमेजिंग या इंजूरियस डिजीज है, तो नुकसान पहुंचाने वाला, क्षति पहुंचाने वाला। पोटेंशियली डेडली डिजीज है, पोटेंशियली डेडली का मतलब इसका नतीजा मृत्यु भी हो सकती है, जो अफेक्ट करता है नर्वस सिस्टम को। बिकॉज द वायरस लिव्स, क्योंकि ये वायरस जीता है इन द फीसीज ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, फीसीज मल को बोलते हैं, पॉटी को बोलते हैं, तो ये इन्फेक्टेड पर्सन की फीसीज में जीवित रहता है ये वायरस। क्रिपलिंग का मीनिंग मैंने बता दिया, पोटेंशियली का बता दिया, डेडली का बता दिया, अपने नोट्स में ऐड कर सकते। पीपल इन्फेक्टेड विद द डिजीज, अब ना थोड़े प्रेपोजिशनल पेयर्स पे ध्यान दो, इन्फेक्टेड विद, फिर इन द ब्लैंक से पता नहीं कितने पेपरों में आ चुका है इन्फेक्टेड बाय लिखा होता है, तो इन्फेक्टेड का पेयर किससे बनाना है, विद से बनाना है। तो जो लोग इन्फेक्टेड होते हैं इस डिजीज से, कैन स्प्रेड इट टू अदर्स, वो फैला सकते हैं ये डिजीज दूसरों को, वेन दे डू नॉट वॉश देयर हैंड, जब वो अपने हाथ नहीं धोते हैं अच्छे से, वेल आफ्टर डेफिकेटिंग, डेफिकेटिंग करने के बाद मतलब मल करने के बाद, पॉटी करने के बाद, जब अपने हाथ पॉटी धोने के बाद जो है अपने हाथ अच्छे से नहीं धोते, तो वो क्या कर सकते हैं, ये डिजीज दूसरों को भी स्प्रेड कर सकते हैं। पीपल कैन ऑल्सो भी इन्फेक्टेड, लोग इन्फेक्ट और तरीके से भी हो सकते हैं, वो क्या है, इफ दे ड्रिंक वाटर, अगर वो पानी पीते हैं, और ईट फूड, या खाना खाते हैं कंटेमिनेटेड, जो कि दूषित है, विद इन्फेक्टेड फीसिस, जो कि इन्फेक्टेड मल से अगर दूषित पानी है, तो भी उनको क्या हो सकता है, ये डिजीज हो सकता है। मोस्ट पीपल विद पोलियो डू नॉट फील सिक, ज्यादातर लोग जिनको पोलियो होता है वो बीमार महसूस नहीं करते हैं। सम पीपल हैव ओनली माइनर सिम्टम्स, कुछ लोगों के अंदर तो माइनर सिम्टम्स होते हैं, हैव यहाँ पर मेन वर्ब है, जैसे कि, और सिम्टम क्या है, बुखार, थकान, नोजिया, नोजिया जब मन मचलता रहे तो उल्टी आने की फीलिंग होती है, हेडेक, सरदर्द, नेजल कंजेशन, नाक बंद हो जाना, सोर थ्रोट, गले में खिचखिचाहट, खांसी, स्टिफनेस इन द नेक, गर्दन का कड़ जाना, एंड बैक और कमर का कड़ जाना, एंड पेन इन द आर्म्स एंड लेग्स, और हाथों पैरों में दर्द, ये उनके सिम्टम्स होते हैं। इन रेयर केसेस, ना के बराबर मामलों में, बहुत कम मामलों में,
पोलियो इन्फेक्शन कॉजेज, पोलियो इन्फेक्शन कारण बनता है, कॉजेज मेन वर्ब, परमानेंट लॉस ऑफ मसल फंक्शन, और किसका कारण बनता है, परमानेंट लॉस ऑफ मसल फंक्शन, यानी मसल कोई कोई ना कोई मसल जो है पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है, उसका फंक्शन खत्म हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, व्यक्ति को पैरालिसिस हो जाता है। पोलियो कैन बी फेटल, अभी डेडली वर्ड पढ़ा था हमने, डेडली का सिनोनिम है फेटल, प्राण घातक, पोलियो प्राण घातक हो सकता है, इफ द मसल्स यूज्ड फॉर ब्रीदिंग आर पैरालाइज, अगर सांस लेने के लिए जो मसल्स यूज होती हैं वही अगर पैरालाइज हो जाए तो ये प्राण घातक हो सकता है, और इफ देयर इज एन इन्फेक्शन इन द ब्रेन, या अगर ब्रेन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए तो भी ये प्राण घातक हो सकता है। तो अभी तक तो ज्यादातर आपने जो पोलियो ग्रस्त लोग देखे होंगे उनका एक पैर छोटा बड़ा देखा होगा आपने, तो उनमें क्या होता है, उनकी लेग मसल जो होती है बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो इसलिए एक पैर विकसित नहीं हो पाता। लेकिन जरूरी नहीं कि पोलियो सिर्फ पैर में, क्या बोला, किसी भी मसल में हो सकता है, और प्राण घातक तब हो सकता है जब वो ऐसी मसल जैसे कि लंग्स से रिलेटेड मसल में हो जाए और आप सांस ले सांस ही ना ले पाओ, या ब्रेन से रिलेटेड इन्फेक्शन हो जाए तो वो प्राण घातक हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, द वायरस मल्टीप्लाइज, वायरस जो है मल्टीप्लाई करता है, बढ़ता है किसमें, इंटेस्टाइन में, आंतों में, फ्रॉम वेयर, जहां से इट कैन इन्वेड, जहां से वो घुसपैठ कर सकता है नर्वस सिस्टम में, एंड कॉज पैरालिसिस, और कारण बन सकता है पैरालिसिस का। वंस दैट हैपेंस, एक बार जब ऐसा हो जाता है, द पेशेंट इज क्रिपल्ड, देखो क्रिपलिंग भी पार्टिसिपल था यहाँ पर, क्रिपल्ड वर्ड आप देख रहे हो, क्रिपल यहाँ तो खैर पैसिव एक्सप्रेशन है इसके साथ थर्ड फॉर्म में, लेकिन क्रिपल्ड जो एडजेक्टिव का भी काम करता है, तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, पेशेंट क्रिपल्ड हो जाता है, क्रिपल का मतलब क्या हो जाता है, पेशेंट डैमेज हो जाता है, डिसेबल्ड हो जाता है, पैरालाइज्ड हो जाता है, फॉर लाइफ का मतलब पूरे जीवन भर के लिए, बिकॉज देर इज नो ट्रीटमेंट, क्योंकि कोई जो है ट्रीटमेंट नहीं है, उपचार नहीं है फॉर द एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन ज़्यादातर जो है सफरिंग के लिए वर्ड यूज होता है, सफरिंग किसके कारण, डिजीज के कारण, पेन के कारण, तो उस स्थिति में जिसमें व्हेन द बॉडी सफर्स उसको हम क्या बोलते हैं, अफ्लिक्शन, कभी कभी ये डिजीज के लिए भी यूज हो जाता है एज अ सिनोनिम। पोलियो इन्फेक्शन हाउएवर कैन बी इजिली प्रिवेंटेड बाय अ वैक्सीन, पोलियो इन्फेक्शन लेकिन आसानी से प्रिवेंट किया जा सकता है, कैन बी प्रिवेंटेड पैसिव एक्सप्रेशन है, और किसके द्वारा, वैक्सीन के द्वारा, वैक्सीन का एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया था, जब ह्यूमन बॉडी में क्या इंट्रोड्यूस करा जाता है, हार्मलेस फॉर्म ऑफ द जर्म, वायरस, बैक्टीरिया, उसको इंट्रोड्यूस करा जाता है जिससे इंसान के अंदर एंटीबॉडी बने। आगे बढ़ते हैं, देयर आर थ्री वेरियंट्स ऑफ द पोलियो वायरस, पोलियो वायरस के तीन वेरियंट हैं, वेरियंट का मतलब फॉर्म है, रूप है, नंबर्ड 1, 2, 3, जिनको 1, 2, 3 नंबर दिए हुए हैं। फॉर अ कंट्री टू बी डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री, किसी देश के लिए पोलियो फ्री घोषित होने के लिए द वाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ ऑल थ्री काइंड्स हैज टू बी स्टॉप्ड, जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन यहाँ पर फैलने की बात हो रही है, स्प्रेड की बात हो रही है, तो जो स्प्रेड है ना इन तीनों काइंड के वायरस का जो है उसका रुकना जरूरी है। और इरेडिकेशन, इरेडिकेशन का मतलब किसी चीज़ को जड़ से मिटाना, इरेडिकेशन वायरस के इरेडिकेशन के लिए केसेस ऑफ बोथ वाइल्ड एंड वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो इन्फेक्शन हैव टू बी रिड्यूस्ड टू 0, केसेस किसके, दोनों, वाइल्ड पोलियो वायरस के और वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस के जो इन्फेक्शन है उन दोनों को रिड्यूस करके 0 होना जरूरी है। देखो वाइल्ड का मतलब तो क्या है, जैसे हमने बताया ना कि पोलियो वायरस किसमें जीता है, वो इंसान के मल में जीता है, तो एक तो उससे फैल रहा है कि मल जो है पानी के संपर्क में आ रहा है, वही पानी लोग पी जा रहे हैं, तो एक तो पोलियो वायरस पोलियो होने का जो है वो तरीका होगा। दूसरा क्या है, वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो में, वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो का मतलब क्या है कि जैसे अभी मैंने बोला कि व्यक्ति को पोलियो के जो है वायरस का हार्मलेस फॉर्म जो है इंजेक्शन के माध्यम से, ड्रॉप्स के माध्यम से उसके शरीर में इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब क्या होता है, वही वायरस जो है वह व्यक्ति अपने मल में जो है डेफिकेट करता है, मल में निकालता है, तो ओवर टाइम क्या होता है कि वो वायरस म्यूटेट करता है, म्यूटेट का मतलब अपना रूप बदलता है और फिर वो इंसानों में फैलने लग जाता है, तो उसको हम बोलते हैं वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो इन्फेक्शन, जो कि किससे हो रहा है कि जो वैक्सीन व्यक्ति को बचाने के लिए दी गई है उसी वैक्सीन की वजह से भी लोगों के अंदर क्या होता है, पोलियो वायरस फैल सकता है, उसको बोलते हैं वैक्सीन डिराइव्ड। आगे बढ़ते हैं, अच्छा तो इरेडिकेशन के लिए दोनों ही केस का 0 होना जरूरी है, यहाँ तक बात होगी। आगे बढ़ते हैं, विच आर द कंट्रीज वेयर द डिजीज हैज सीन रिसेंट आउटब्रेक्स, कौन से वो देश हैं जहाँ पर डिजीज का हाल ही में आउटब्रेक देखेगा, आउटब्रेक का मतलब सडनली स्टार्ट हो जाना, अनकंट्रोलेबल रूप से स्टार्ट हो जाना। इन 2019 पोलियो आउटब्रेक्स वर रिकॉर्डेड इन फिलीपींस, मलेशिया, घाना, म्यांमार, चाइना, कैमरून, इंडोनेशिया एंड ईरान, तो इन देशों में जो है 2019 में आउटब्रेक देखेगा, आउटब्रेक मतलब सडनली यहाँ पर स्टार्ट हो गया, ये विच वर मोस्टली वैक्सीन डिराइव्ड,
और ये वैक्सीन डिराइव्ड थे। वैक्सीन डिराइव्ड का मतलब जो दवाई इंसानी शरीर में इंट्रोड्यूस की गई वो इंसानों ने मल में डेफिकेट की अपने, और वो क्या हुआ कुछ समय बाद वो जो वायरस था म्यूटेट कर गया, उसने अपना रूप बदल लिया। देखो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है, अ रेयर स्ट्रेन ऑफ द वायरस जेनेटिकली म्यूटेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन इन द वैक्सीन। यानी वैक्सीन में जो पोलियो वायरस का स्ट्रेन इंसानी शरीर के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था जिससे एंटीबॉडी बने, वो रूप बदल के किसी और रूप में आ जाता है और फिर वो फैलने लग जाता है, तो उसको बोलते हैं वैक्सीन डिराइव्ड। आगे बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार इफ द ओरल वैक्सीन वायरस इज एक्सक्रीटेड एंड अलाउड टू सर्कुलेट इन एन अन और अंडर इम्यूनाइज पॉपुलेशन फॉर एटलीस्ट 12 months, इट कैन म्यूटेट टू कॉज इन्फेक्शन। वो बता रहे हैं कि जो वैक्सीन डिराइव्ड वायरस था वो कैसे फैलता है, तो WHO क्या कहती है, इफ द ओरल वैक्सीन वायरस, जो ओरल आपने देखा बच्चों को पोलियो ड्रॉप दी जाती है, वो वायरस जब एक्सक्रीट किया जाता है, एक्सक्रीट यानी मल के माध्यम से बाहर निकलता है इंसानी शरीर में, एंड अलाउड टू सर्कुलेट, और क्या है उसको पनपने दिया जाता है इन एन अन और अंडर इम्यूनाइज पॉपुलेशन, एक ऐसी पॉपुलेशन में जो अंडर इम्यूनाइज है, जिनके वैक्सीनेशन नहीं हो रखी है, जिनके अंदर एंटीबॉडी नहीं है उस वायरस के खिलाफ, और ये कब तक चलता है, ये लगभग 12 महीने तक चलता है। तो ऐसे में वो वायरस क्या कर सकता है, वो म्यूटेट कर सकता है, अपना फॉर्म बदल सकता है और घातक हो सकता है और इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। एज पर द CDC के अनुसार अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान आर द टू कंट्रीज, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वो दो देश हैं दैट आर द लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड, जो आखिरी स्ट्रॉन्ग होल्ड है वाइल्ड पोलियो वायरस के। अब स्ट्रॉन्ग होल्ड एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब था गढ़, हिंदी में किला गढ़ सुने होंगे ना आपने। अब जरूरी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है फिजिकल किसी बिल्डिंग के लिए बोला जाए, स्ट्रॉन्ग होल्ड का मीनिंग देख लेते हैं। इफ यू से दैट अ प्लेस और रीजन इज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ अ पर्टिकुलर एटीट्यूड और बिलीफ, अगर आप कहते हैं कि कोई जगह जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड है किसी एटीट्यूड को लेके, किसी मान्यता को लेके, यू मीन आप ये कहना चाहते हैं दैट मोस्ट पीपल देयर, कि ज्यादातर लोग जो वहां पर हैं शेयर दिस एटीट्यूड और बिलीफ, वो उसी विचार और उसी मान्यता के। ठीक है जी, मैंने सिनोनिम भी दे दिए, बैस्टियन और फोर्ट्रेस। मान लीजिए अगर मैं इस समय बोल देता हूं कि अमेरिका तो इस समय रेसिज्म का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, इसका मतलब ये होगा कि अमेरिका के ज्यादातर लोग जो है रेसिस्ट है, अमेरिका रेसिज्म का गढ़ है, ये इसका मीनिंग निकलता है। इम्यूनाइज का मीनिंग तो मैंने आपको बता ही दिया था। तो CDC के अनुसार जो गढ़ है समय वाइल्ड पोलियो वायरस के, वो कौन से दो देश है, वो अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। आगे बढ़ते हैं, इन पाकिस्तान द नंबर ऑफ रिपोर्टेड वाइल्ड पोलियो वायरस केसेज हैज इंक्रीज्ड इन 2020। पाकिस्तान में जो नंबर ऑफ संख्या है इसकी रिपोर्टेड वाइल्ड पोलियो वायरस केसेज की, वो बढ़ गई है, हैज इंक्रीज। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रामर का, एग्जाम में जब ये एरर में आएंगे ना तो हैव इंक्रीज्ड होगा, लेकिन जिन लोगों ने ग्रामर ठीक से पढ़ी उनको पता है द नंबर ऑफ जब होता है तो वी आर टॉकिंग अबाउट संख्या, संख्या को सिंगुलर मानते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, ऑन August 25 को द अफ्रीकन रीजन वॉज सर्टिफाइड एज वाइल्ड पोलियो वायरस फ्री। दूसरी तरफ अफ्रीकन रीजन को सर्टिफाई किया गया कि वो वाइल्ड पोलियो वायरस से मुक्त हो गई, अब 25 अगस्त को। एज पर द CDC के अनुसार एज ऑफ सात अक्टूबर की डेट तक देर वर मोर देन 440 केसेज ऑफ पोलियो वायरस अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व में 440 से ज्यादा पोलियो वायरस के केस थे, एज कंपेयर टू, अगर कंपेयर किया जाए विद 378 एंड 71 केसेज ग्लोबली इन 2018 एंड 2019 रिस्पेक्टिवली। यानी यही केस जो थे 2018 में 378 थे और 2019 में 71 थे, जो इस साल अक्टूबर 7 तक कितने हो गए 440, यानी ये बढ़ता हुआ ट्रेंड हमको दिखा पोलियो के केसेस का। आगे है, व्हाट इज इंडिया सिचुएशन विद रिगार्ड टू द डिजीज, भारत की क्या सिचुएशन है अगर हम उसको डिजीज से देखें संबंधित। इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड पैसे, भारत को घोषित किया गया था पोलियो फ्री इन जनवरी 2014 में, आफ्टर 3 years ऑफ जीरो केसेस, जब लगातार 3 वर्ष जीरो केस आए, एन अचीवमेंट जो कि कुप्रबली थी, वाइडली बिलीव, जिसको माना जाता था टू हैव बीन स्पर्ड, स्पर वर्ड आता है, स्पर का मतलब किसी चीज को बढ़ावा देना, इनकरेज करना, इनसाइट करना, तो यहाँ पर क्या मीनिंग निकलता है, जो लगातार 3 साल जीरो केस आए थे वो एक उपलब्धि थी, वाइल्डली बिलीव, जिसको ये माना जाता था कि जो जिसको बढ़ावा मिला था
टू हैव बीन स्पर्ड का मतलब जिसको बढ़ावा मिला था किसके द्वारा, बाय द सक्सेसफुल पल्स पोलियो कैंपेन, जिसको बढ़ावा मिला था जो बहुत सफल पल्स पोलियो कैंपेन चला था भारत में उसकी वजह से, इन विच ऑल चिल्ड्रन वर एडमिनिस्टर्ड पोलियो ड्रॉप्स, जिसमें सभी बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स दी गई थी। एडमिनिस्टर को लेकिन दो तरीके से और बताऊंगा आपको। देखो पहला क्या है, इफ अ डॉक्टर और नर्स एडमिनिस्टर्स अ ड्रग, अगर डॉक्टर नर्स कोई ड्रग को एडमिनिस्टर करते तो क्या कर रहे हैं, दे गिव इट टू अ पेशेंट। तो मीनिंग यहाँ पर तो बहुत सिंपल है कि टू एडमिनिस्टर अ मेडिसिन, टू एडमिनिस्टर अ ड्रग का मतलब वो देना किसी को, ठीक है। एडमिनिस्टर का एक और मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन, चुनाव वर्ड प्रबंधन से रिलेटेड है। इफ समवन एडमिनिस्टर्स समथिंग सच एज अ कंट्री, द लॉ और अ टेस्ट, दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड सुपरवाइजिंग इट। तो एडमिनिस्टर करने के दो मतलब हुए, जब डॉक्टर नर्स से रिलेटेड होगा तो मतलब मेडिसिन देना, एडमिनिस्टर का दूसरा मतलब क्या हुआ, किसी चीज का प्रबंधन करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको मैनेज करना, ठीक है। यहां तक हम पहुंच गए। द लास्ट केस ड्यू टू वाइल्ड पोलियो वायरस इन द कंट्री, जो आखिरी केस था वाइल्ड पोलियो वायरस का देश में, वॉज डिटेक्टेड, वैसे वो डिटेक्ट हुआ था कब, ऑन जनवरी 13, 2011 को। उसके साथ ही आर्टिकल कंप्लीट होता है। नॉलेज बेस्ड आर्टिकल था, पोलियो के बारे में जानकारी मिल गई, वैक्सीन के बारे में कितने सारे वर्ड सीख लिए, स्ट्रॉन्ग होल्ड, इम्यूनाइज, वैक्सीनेशन बतेरा। तो जैसे बार बार बोलता हूँ देखो रीडिंग के कितने फ़ायदे। एनीवेज आपने क्या करना है, रिपीट द वीडियो, वर्ड्स को अपने जो है वोकेबलरी जो है अलग अलग पेज पे आपको देखने को मिली है उसको अपना ऐड कीजिए अपने वोकेबलरी के नोट्स में, और इसी तरीके से एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल के साथ मैं आपसे जल्द मिलूंगा। थैंक यू।